नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से ये नाश्ता बना के जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते 500। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 अंडे। अंडे को हम तोड़ के बाउल में ले लेंगे। अच्छे से हम पहले फेंट लेंगे अंडे को। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप चीनी। आज मैं यहाँ पे 2 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 2 कप मैदे के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप चीनी। अगर आप अंडे और मैदा कम लेते हो तो चीनी की मात्रा भी आप कम कर लीजिएगा। अब हम अच्छे से तब तक फेंटेंगे जब तक हमारा चीनी अच्छे से घुल ना जाए। अंडे और चीनी अच्छे से मैंने फेंट लिया है। चीनी अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। डालेंगे हम 1/4 चम्मच यहाँ पे नमक। डालेंगे हम यहाँ पे 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। डालेंगे हम 1.5 कप दूध। 1 कप डाल दिया, आधा कप और डालेंगे। एक बार हम मिला लेते हैं पहले। 1 कप यानी 250 ml और आधा कप डाल दिया है। एक बार हम मिलाने के बाद डाल देंगे हम यहाँ पे मैदा। तो 2 कप मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। एक बारी में हम पूरा नहीं डालेंगे। एक बारी में अगर आप पूरा मैदा डाल दोगे तो गुठलियाँ बन जाते हैं और उसे हटाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। बाकी जो मैदा है उसे भी हम डाल देंगे। अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिक्स करते हुए फेंट लेंगे, ताकि एक भी हमारा मैदे का जो गुठलियाँ है वो ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लास्ट में डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद एक बार और मिक्स कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। और आप देख सकते हो जो हमारा घोल है उसका थिकनेस कैसा है। अब हम कोई भी इस तरीके से कप ले लेंगे, नहीं तो इस तरीके से हमारे घर में होती है चमचा, तो कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे पैन हम गैस पे रख देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करके हल्का हम तेल लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं ब्रश से पैन में लगा लूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। और हम इस तरीके से डाल देंगे। साइज छोटे बड़े आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करेंगे और ढक देंगे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद हम चेक करेंगे। 1 मिनट बाद जब इस तरीके से ऊपर बबल्स आने लगे, तब हम थोड़ा सा सावधानी के साथ पलट देंगे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर हमारा कलर आ चुका है पैनकेक में। देखिए, बस हम ढकेंगे नहीं, खोल के 30 सेकेंड के लिए और हम होने देंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से ये नाश्ता बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बस 30 सेकेंड हम खोल के होने देंगे, फिर हम निकालेंगे। और इसी तरीके से बाकी भी हमें बना लेना है।
30 सेकेंड बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हो दूसरी ओर भी हमारा अच्छे से कलर चेंज हो चुका है, निकाल लेंगे। और ये नाश्ता देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है आपको, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। आप बिना तेल लगाए भी इसे बना सकते हो। देखिए डाल देंगे हम पैन में, गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें लो पे रखना है, पैन को कवर करना है सिर्फ एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद जैसे ही ऊपर इस तरीके से बबल्स आने लगे तब हम पलट देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आए हैं, बिना तेल का तो सबसे ज़्यादा अच्छा कलर आए हैं, ये जले नहीं है। और दूसरी ओर भी हम 30 सेकेंड के लिए होने देंगे, फिर हम निकाल लेंगे। 30 सेकेंड बाद दूसरी ओर भी जब हमारा बन जाए तब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बाकी भी बना के तैयार करेंगे। तो मुझे जो दूसरा वाला है ना बिना तेल वाला वो सबसे अच्छा लगा। तो इस तरीके से हम डाल देंगे बिना तेल पैन में लगाए, पैन को कवर करके एक मिनट के लिए होने देंगे, फिर हम साइड चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये टेस्टी नाश्ते की रेसिपी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट ये नाश्ता हमारा बन के तैयार होता है। देखिए तो आज की रेसिपी अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर से आप शहद या पाउडर शुगर डाल के इसे सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।